हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन कोर्स 2, जिसके बारे में बच्चे काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे सर कि हमारी फाउंडेशन कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सर पहले लेके आ जाओ। फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट की जब मैं बात करूंगा तो आपका FY BCom BEF BBA BFM BMS BA एंड BSc मतलब कंप्लीट कॉमर्स साइंस एंड आर्ट वाले बच्चों का कॉमन सा सब्जेक्ट है, सिलेबस कॉमन है, पेपर पैटर्न कॉमन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कॉमन है। मतलब सब क्लास वालों को यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करना है। क्लियर सर? बिल्कुल, किसी बच्चों को आप इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करेंगे जब कॉमर्स सेक्शन वाले के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई कि आपका सेकेंड चैनल चालू किया गया है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। इस चैनल पे कंप्लीट सिर्फ दो सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, अकाउंट्स और मैथ्स की सीरीज चालू कर दी गई है। बीकॉम का बैफ बीबीए बीएफएम बीएमएस वाले बच्चों की बात करूंगा, सबका सीरीज चल रहा है इस चैनल पे। बीकॉम का 3 यूनिट कंप्लीट हम लोग ने कर लिया है, 4th यूनिट पे जा रहे हैं। बीएमएस वालों का 1 यूनिट कंप्लीट हुआ सर, 2nd पे चल रहे हैं। एंड इसी तरीके से बैफ का भी 1st यूनिट चालू है। क्लियर? तो सबका बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा सेकंड चैनल से। मैथ्स एंड अकाउंट्स का कंप्लीट बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो जो कॉमर्स वाले बच्चे आप लोग जाके सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वहां से आपको मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए टॉपिक की बात करते हैं सर, सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स का एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। 15 मार्क्स को लिखना भी उसी तरीके से पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चंस पहले से पता होने चाहिए सर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमको पहले प्रिपेयर कर लेना है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। कहां से? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो क्वेश्चन है चैप्टर भी मेंशन किया हो, ताकि बच्चों को क्वेश्चन ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, चैप्टर में मेंशन कर दिया हो कौन से चैप्टर का है आपका। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इट्स कॉसेस एंड इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको मैं इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख रहा हूं। पहला यही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है चैप्टर 1 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक है, कॉसेस एंड इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। पहला क्वेश्चन यही प्रिपेयर करना है। पहले क्वेश्चंस की बात जब बात करेंगे सर, सेकंड क्वेश्चन लिबरलाइजेशन, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। इसके एडवांटेज पूछे जाते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन बनता है हमारा, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सर, प्राइवेटाइजेशन, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग इन इंडिया, मतलब आपको ध्यान रखना कि जो फाउंडेशन कोर्स में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैसा पूछा जाएगा सर, क्वेश्चन ए या फिर नीचे आएगा आपका बी, और यहां रहेगा सर और, या तो आप ए कवर करो या फिर आप बी कवर करो, मतलब दो में से एक क्वेश्चन कवर करना है। तो मैंने कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन की बात अगर करूं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आएगा, मैंने इंपॉर्टेंट कितना दिया सर, 4 क्वेश्चन दिया, 4 में से भी पहला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उस टॉपिक का बोलूंगा, ये प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर सर? 4 क्वेश्चन इनफ है, 4 क्वेश्चन इनफ है, सब क्लास की बात कर रहा हूं। पहले ये 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कवर हो जाएगा हमारा। क्लियर? बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की जब मैं बात करूंगा सर, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है सर 3rd, क्वेश्चन 2 कवर किया, 3rd पे आ जाओ। और हर एक ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को मैं मोस्ट आईएमपी रखा हूं, तो मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जैसे बात करेंगे क्वेश्चन 3rd में, सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा है। ये क्या है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखा। तो इस जब आप क्वेश्चन 3rd की प्रैक्टिस करोगे भाई, याद करना याद करोगे या फिर कॉन्सेप्ट को समझोगे, जैसा भी आप प्रिपरेशन करने वाले हो, इस क्वेश्चन को पहला फोकस करना है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर फंडामेंटल राइट से, यहां से एक शॉर्ट नोट्स तो हमारा बनता है, कोई भी एक राइट हमसे पूछा जाता है, ये तो 100% आप लोगों को यहां से बनता है क्वेश्चन, तो फंडामेंटल राइट्स भी और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो आप लोग यहां से ये प्रिपेयर कर लेना। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर 3rd, चैप्टर सॉरी यहां पे हमने बताया नहीं, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम चैप्टर 3rd का क्वेश्चन है। क्लियर? प्रैक्टिस कर लेना, चैप्टर मेंशन करते चल रहा हूं। एंड नेक्स्ट हमारा सर कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर 3rd,
का ये क्वेश्चन है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान रखना, फिर से सेम क्वेश्चन नंबर टू में चार क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए भी चार क्वेश्चन दिया हूं, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए फोर एंड क्वेश्चन नंबर यहां से आपका फाइव, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन हर देखो दो दो आएगा तो मैंने डबल कर दिया भाई, इंपॉर्टेंट आपका डबल कर दिया ताकि कोई रिस्क ना हो। पेपर कैसे भी अगर एग्जामिनर सेटअप कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए, मतलब आपको पेपर आपका 75 का जो फाउंडेशन कोर्स का पेपर होता है वो कवर हो जाना चाहिए। 15 हमारा ऑब्जेक्टिव है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर टू, 15 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15 का क्वेश्चन नंबर फोर एंड 15 का क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है हमको कि हर एक क्लास के बच्चों का पेपर कैसे भी सेटअप हो तो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट कर लिया है। क्लियर सर? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर की जब मैं बात करूंगा, सर एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ स्ट्रेस को मैंने मोस्ट आईएमपी में रखा है, क्या सर? मोस्ट आईएमपी, क्वेश्चन नंबर फोर के मोस्ट आईएमपी में रखा है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ स्ट्रेस कहां से है सर? ये है आपका चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन है, कहां से? चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ, इसको भी मैं मोस्ट आईएमपी में क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, किसमें सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कौन से चैप्टर का है सर? थर्ड का है। कौन से चैप्टर का है? थर्ड का है। और एक चीज ध्यान में रखो आप, इंपॉर्टेंट नहीं तो कंफ्यूजन ना हो, चैप्टर थर्ड जो है ना क्वेश्चन नंबर फोर में भी आता है, चैप्टर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर टू में भी आता है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक चैप्टर यहीं पे फोर में आएगा या फिर थर्ड में आएगा, कहीं पे भी आ सकते हैं। कौन से सर? स्पेशली थर्ड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, फोर में भी कुछ चैप्टर आता है एंड टू में भी आता है। अगर मैं चैप्टर थर्ड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की बात करूं तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बच्चे चैप्टर थर्ड का पहला यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो आप लोग। एंड फोर में पहला क्वेश्चन आपको दे दिया, ये होने के बाद दो क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा दिया हूं, बट ये दो ध्यान रखना, ये दो पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आना है सर कॉसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर नंबर फोर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर एजेंट ऑफ सोशलिज्म चैप्टर नंबर फोर की कहानी है, चार क्वेश्चन यहां पे दिया है, ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से मैं सेलेक्ट किया हूं कि हर एक क्लास के बच्चों का मतलब एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करे तो आपका कवर हो जाना चाहिए, बट कंडीशन क्या है, चार ही क्वेश्चन जब दिया हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका फोकस ज्यादा होगा, मतलब उसको 100% कवर करना है, उसके बाद सर हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं वो कवर करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे शिफ्ट हो जाते हैं सर, स्टडीज फॉर कॉपिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स पहला क्वेश्चन दिया हूं, पहला क्वेश्चन। क्लियर सर? बिल्कुल है। कौन से टॉपिक से है? टॉपिक यहां मेंशन किया हूं, चैप्टर फाइव का ये टॉपिक है, चैप्टर फाइव का ये भी टॉपिक है, आगे के भी दोनों टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर फाइव के ही है, इसलिए मैंने सीधा चैप्टर फाइव वहां पे मेंशन कर दिया, चैप्टर फाइव आपको कवर करना है। ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर जब ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर फाइव आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। कहां पे सर? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नंबर टू सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस करोगे जब आप क्वेश्चन नंबर फाइव की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा सर स्ट्रेटजीज फॉर कॉपिंग विद स्ट्रेस ये टॉपिक है। तो टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं 8, 2 + 2 + 2 + 2 टोटल है 8, मैंने उसके साथ 8 ऐड किया, 16 क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट में दिया हूं, कितने सर? 16। और उसमें से भी जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग क्या करने वाले हो? पहले करने वाले हो। तो आई होप हर एक बच्चे को आज का जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है समझ में आया होगा, क्योंकि देखो सिंपल से काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको चैप्टर्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन भी बता दिया आपको कौन सा क्वेश्चन कहां बन सकता है और कौन से चैप्टर का है। तो अब इतना तो काम आप कर सकते हो कि सर उस चैप्टर में जाके वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्लियर है कि नहीं? या तो इंडेक्स पे आप देख लेना स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट मिल रहा है भाई तो थोड़ा सा डिटेल जब उसको पढ़ोगे तो वहां पे हेडिंग क्लियर मेंशन रहता है, जो मैंने यहाँ पे जैसे जिस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्लियर?
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन आज के लेक्चर्स में क्रिएट हुआ है तो भाई कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।